मैं आपका होस्ट दिल नासर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अराउंड द वर्ल्ड अजीज़ नाजरीन आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक कसूर के नवाही गाँव छीना वार्ड के एक तालीमी इदारे में जिसका नेम है दिन स्कूल अजीज़ अहबाब ये इारा अरसा चार साल से हमारे गाँव के अंदर तलीमी ख़दमा अंजाम दे रहा है और इस इदारे को चलाने के लिए जो काविशें और जो फ़्राइ सर अंजाम दे रहे हैं हमारे काबिल एहतराम बड़े भाई हमारे दोस्त हमारे सर के ताज जनाब मोहम्मद एजाद हसन शराजी साहब हम आज इनकी खदत में हाज़िर हुए हैं राज हम इनसे जो है ताली इदारों के साथ जो स्पेशली प्राइवेट तलीमी इदारे जो छोटे लेवल पर हैं उनके साथ जो कोविड की वजह से मसाइल का सामना है उनके बारे में बात करेंगे अल्लाम सर वाईक सर कैसे तबीयत से ठीक करम शुक्र है और सर आ, पहले तो हम आपके मशहूर हैं कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला सर हमारे आपसे कुछ क्वेश्चन होंगे आज कोविड के बारे में जो तली इदारों में हो रहे हैं तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम शुरू करें जरूर इन शाह सर हमारा क्वेश्चन पहला ये है कि जैसे आज से तकरीबन एक साल पहले मार्च के सोलह मार्च को तालीमी अदारे बंद कर दिए गए थे और तकरीबन छः सात वहाँ तलीमी अदारे बंद रहे बहुत से उसके अंदर आपने क्राइसिस देखे तो सर आप क्या समझते हैं जो एडुकेशन का गैप आया था वो सर फिलअप हो जाएगा या नहीं होगा जी जैसे साल के स्टार्ट से ये नहीं करोना जब स्टार्ट हुआ है तो उस वक्त से लेकर ये अब तक जो है ना हम अपने अदारे को किसी अच्छे तरीके से जो है नहीं कर सके हैं तो बच्चों के जो तलीमी तलीम जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान में है और बच्चों को वो पूरा सिलेबस जो हमने पढ़ा पढ़ाते थे वो हम अभी तक वो पूरा सिलेबस कम्प्लीट नहीं कर सके हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं सर ये तो हो गया आपका जो तालीमी यानी कि साल का जिया हुआ आपने बताया इसके बाद सर जो आपकी बिल्डिंग है आपने हमें इंटरव्यू से पहले बताया था कि आप रेंट पे यहाँ पर जी मैं यहाँ पर अरसा चार साल से यानी इसी बिल्डिंग को रेंट से रेंट में इस्तेमाल कर रहा हूँ और और अलहमद ये ना इसका रेंट पे भी कर रहा हूँ और जो मालिक हैं वो जाहिर है वो यही बात करते हैं कि हमें तो रेंट जो चाहिए हमें तो कोविड के दरमियान आपने रेंट को कैसे फिर मेंटेन किया अपनी पॉकेट अपनी तो पॉकेट से हमने अपनी पॉकेट से हमने पे किया क्योंकि सर रीज़न ये है ना कि हम जिस इलाके में हम इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं यहाँ पे लोग जो है गरीब हैं और शहरों में तो लोग फीसें ले लेते ले ले हैं प्रिंसिपल हजार से भी लेते हैं तो यहाँ पे आपकी फीसें मिलती रही आपको ये जो चार पाँच माह बंद रहे फीसें नहीं मिली रही जी हमें हमें कोई फीस नहीं मिली जितनी देर अदारा बंद रहा है क्योंकि ये गांव के देहात के लोग हैं जो बिल्कुल वो पहले फ़ीस कम देते हैं और जब वो इनको ये पता चला कि ये छुट्टियाँ हैं तो वो छुट्टियों की फीस उन्होंने हमें पे नहीं की है तो सर आपने फिर सैलरी भी जहर सी बातें दी होंगी क्योंकि स्टाफ तो नहीं रुकता ना जी स्टाफ को भी हमने सैलरी अपनी पॉकेट से दी है वो इसी वजह से दी है कि स्टाफ यहाँ से हाइड करना हमें हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है तो अगर हम स्टाफ को सैलरी ना दें तो वो स्टाफ हमें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से हमें हम अपनी पॉकेट से जो उनको सैलरी बच्चों को दी है टीचरों को दी है सर आपने देखा कि अभी आज भी आज के दिन भी जो है वो लाहौर और साथ इजला के अंदर जितने भी तलीमी इदारे हैं बंद कर दिए गए हैं यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज तमाम निजी और प्राइवेट इदारे सर अगर खुदाना खास्त खुदाना खास्तर डिस्ट्रिक्ट कसूर और हमारे ही जो एरिए कोटरदा किशन का एरिया और ये हमारा स्पेशली गाँव छनौताड़ गाँव जो है इसे एरिए के अंदर भी ख़ुदा न खास तला ना करें अगर तालीमी इदारे बंद होते हैं तो क्या लाहेमल होगा आप लोगों का कैसे आप लोग सिस्टम को मेंटेन रख सकेंगे क्या कोई है इस बारे में सोचा आपने जी हमने क्या सोचना हुकूमत के साथ हमें चलना पड़ेगा प्राइवेट अदारों के साथ हमें चलना पड़ेगा जैसे वो करेंगे लेकिन ये है कि इस साल इस साल छोड़ के बस यही समझ लें कि बच्चों की जो तली म है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है बच्चे तलीम से बहुत दूर भाग रहे हैं वो तो अब तलीम के स्कूल में आना भी नहीं चाहते हैं तो जब उनके बच्चों यही मसला है कि मसाइल पैदा हो रहे हैं बच्चों के लिए कि वो चाहते हैं कि हम जो है ना तलीम से दूर भागें सर इसके फिर आज ही बिल्कुल जाहिर सी बात है जब बच्चा छुट्टी करके आता है तो उसका पढ़ने को दिल नहीं करता बिल्कुल ये बच्चों का जब एक संडे की छुट्टी होती है तो तब बच्चे का मंडे वाले दिन आता है तो उसका दिल नहीं करता कि पढ़ने का तो ये तो अब छुट्टियाँ से छुट्टियाँ हो रही हैं और ये तो बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है बच्चों का सर uh, हम आपके बहुत मशहूर हैं आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया बहुत मेहरबानी जदिद नाजरीन ना आपने जैसे देखा कि हमारे साथ हमारे काबिल एहतराम जनाब शाह मौजूद थे इन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूल स्पेशली जो छोटे स्कूल और जो गांव लेवल पे स्कूल हैं देहात लेवल पे स्कूल हैं उनके क्या मसाल का सामना है वो कोविड के बाद अभी तक स्टैंड नहीं हो पाए और फिर तो से छुट्टियों की बात शुरू हो गई है और आज कुछ इजला के अंदर तो छुट्टियाँ हो भी गई हैं हमारी अरबा इख्तियार से दरख्वास्त है कि खुदारा कोई खसूस पैकेज के ज़रिए या किसी भी तरीके से जो जितने भी निजी और ये स्पेशली छोटे गांव लेवल के स्कूल हैं इनके साथ मावनत की जाए इनके लिए जो है कोई ऐसा लाहेमल अपनाया जाए कि ये भी अपने जो है तलीमी सिस्टम को जारी रख सकें और ये बात भी इनकी पॉसिबल है कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेज नहीं पॉसिबल इस एरिए के अंदर क्योंकि यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं लोग फीसें पे नहीं करते तो ऑनलाइन क्लासेज कैसे लेंगे हम फिर अरबाब की दरख्वास्त ही करेंगे कोई ऐसा पैटर्न अपनाया जाए जिससे जो है हमारे तालीमी इदारे स्पेशली छोटे तालीमी इदारे जारी रह सकें हम मुझे दीजिए इजाज़त मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ अल्लाह हाफज़